आप सभी को टीम आई की तरफ से नमस्कार उम्मीद करते हैं कि आने वाले परीक्षाओं की तैयारी आपकी शानदार चल रही होगी नव वर्ष 2024 के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं वी विश कि इन दिस ईयर यू गेट क्लेंटी ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस आप अच्छे से मेहनत कीजिए और इस साल आपका बहुत ही शानदार रहेगा वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ ऑल टाइम्स वुड बी दिस ईयर दैट इज द ईयर टू टीम आई की तरफ से ये आपको विशेष है आज का वीडियो जो है दैट इज़ रिगार्डिंग दी मॉक इंटरव्यूज जो टीम आई की तरफ से लगातार लिया जा रहा है और बहुत सारे कैंडिडेट्स का हम लोगों ने मॉक इंटरव्यू लिया है और उस संदर्भ में जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है जो विजडम रहा है अलग अलग स्टूडेंट्स का मॉक इंटरव्यू लेकर तो इसके सारे एक्सपीरियंस को हम लोग इस वीडियो में शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि कहाँ पर प्लस पॉइंट होते हैं कैंडिडेट्स के जिनसे कि उनको बहुत अच्छे नंबर आते हैं और कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ की इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है तो इस वीडियो से आपको भी काफी लाभ होगा क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स अबाउट 860 कैंडिडेट्स आर टू अपीयर इन 68 बीपीएससी इंटरव्यू सो इस वीडियो में बने रहिए पहले कि इस वीडियो को शुरू करें फ्यू जेंटल रिमाइंडर्स सबसे पहला यह है कि टीम आई का ऑफलाइन सेंटर शुरू हो गया है ऑफलाइन सेंटर दैट इज इन देश बोरिंग कनाल रोड पटना आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को चेक कर सकते हैं और जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उसको भी चेक कर सकते हैं आपको एड्रेस के बारे में जानकारी मिल जाएगी एस टू वेयर टीम आई ए एस ऑफलाइन सेंटर इज प्लेस्ड नाउ इन दिस टीम आई ए एस ऑफलाइन सेंटर हमारा सेवनटीथ बी पी एस सी फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो गया है जो भी इच्छुक एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें की एग्जाम में अच्छा करना है आप हमारे सेंटर में आकर इंक्वायरी कर सकते हैं और आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ टीम आई ए एस वुड बी कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होना चाहिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व कि सबसे पहला जो चैलेंज होता है किसी भी कैंडिडेट के लिए वह होता है प्रीलिम्स वो तो जो सेवनटीथ बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स होगा उसका सबसे पहला जो टारगेट हमारा होगा दैट इज योर प्रीलिम्स इज क्लियर्ड सेकंड एस्पेक्ट ऑफ टीम आईएएस इज कि हम लोग यू पी फाउंडेशन कोर्स भी शुरू कर रहे हैं जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं इसमें

जेंटल रिमाइंडर कि टीम आई ए एस तरफ से 68 एट बी के लिए मॉक इंटरव्यू भी लिया जा रहा है जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं जिन्हें अच्छा लगता है टीम आई पर ट्रस्ट है आप लोग ऑफलाइन सेंटर विजिट करिए और अपना जो स्लॉट है उसको आप लोग बुक कर सकते हैं जो भी अपडेट है रिगार्डिंग टीम आई एक्टिविटी जो भी आ, जो टीम आई का सेवनटी एथ फाउंडेशन कोर्स हो या यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स हो या टेस्ट सीरीज़ हो या मॉक इंटरव्यू हो तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उसमें इन सारी चीज़ों का लिंक मैं दे दूंगा आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं नाउ मेन टॉपिक अगर हम उस पर आए तो अब तक टीम एम आई एस हैज बिन वेरी हम्बल्ड आई वुड से ओवर फिफ्टी कैंडिडेट्स का हम लोग मॉक इंटरव्यू अब तक ले चुके हैं और वी फील हम्बल्ड वी फील वेरी हम्बल्ड एंड ऑल्सो हाईली प्रिवलेज कि जो डियर एस्पीरियंट्स आप जो है हम पर विश्वास करते हैं इसीलिए हमारे पास मॉक इंटरव्यू देने आ रहे हैं ऑल्सो हम्बल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि जो गूगल फॉर्म हम लोगों ने रिलीज किया है अब तक अप्रॉक्स हंड्रेड सेवन गूगल फॉर्म्स हैव है बीन फिल्ड तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने मॉक इंटरव्यू को लेने का रफ्तार जो है उसको बढ़ाएं ताकि सारे कैंडिडेट्स जो भी गूगल फॉर्म भरे हैं सभी का हम लोग क्वालिटी मॉक इंटरव्यू ले लें प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट हमारा टारगेट है कि क्वालिटी मॉक इंटरव्यू लें वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी हर एक मॉक इंटरव्यू जो आपका लिया जाता है हम लोग पहले उसका बेसिक होमवर्क करते हैं कि okay, बायोडेटा का होमवर्क करते हैं और उसके बाद ही आपका बीस से पच्चीस मिनट अराउंड मॉक इंटरव्यू लिया जाता है सो एज आई स्टर्यर क्वालिटी मॉक इंटरव्यून वी विल एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग मॉक इंटरव्यू सो दैट टिल द लास्ट एंड जो भी uh, हमारे ऑफलाइन सेंटर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मॉक इंटरव्यूज देना चाहते हैं सबका क्वालिटी मॉक लिया जाएगा नाउ सभी कैंडिडेट जो इस बार इंटरव्यू देने वाले हैं 68 एट बी पी का उनके लिए जो हम लोगों ने अब तक मॉक इंटरव्यू लिया है तो उससे क्या हम हमारे पास विजडम आया है जो कि आपके साथ हम शेयर करेंगे ताकि इसका लाभ आपको एक्चुअल इंटरव्यू में मिलेगा पहला कि डाइवर्स बैकग्राउंड अब तक हम लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया कि डाइवर्स बैकग्राउंड है जिसमें कि आई के कैंडिडेट हम लोगों को मिले हैं IITs के, दो आई दो एम के कैंडिडेट मिले हैं वी आर फिर ट्रिपल आई कि टी के कैंडिडेट भी हम लोगों के पास आए हैं प्लस डॉक्टर्स भी हमारे पास आए हैं और उसके बाद आपको जो प्लेन ग्रेजुएट्स हैं वह भी हमारे पास मॉक इंटरव्यू देने आए हैं तो यू कैन सी कि जो बैकग्राउंड अगर आप देखिए तो बहुत ही डाइवर्स है और उस संदर्भ में एज आई सेट कि एकेडमिक्स जो है उसका आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कितना डाइवर्स है एज अगर आप देखिए तो एज में आपको 21 से लेकर 35 ऑन एन एवरेज जो है मैं कहूंगा कि इस जोन के सभी कैंडिडेट्स का हम लोगों ने आप मॉक इंटरव्यू लिया है मीडियम जो है इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों रहा है दोनों बैलेंस्ड रहा है और सब्जेक्ट्स भी अलग अलग सब्जेक्ट्स रहे हैं अगर आप देखिए तो जोग्राफी है हिस्ट्री है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है सोशियोलॉजी है एंड होल लॉट ऑफ अदर सब्जेक्ट जिससे कि हम लोगों ने मॉक इंटरव्यू लिया है अब देखिए जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो अब तक हम लोगों ने नोटिस किया है कि इफ यू टॉक अबाउट सुपर परफॉर्मेंस ऑफ मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स हुम वी हैव कंडक्टेड मॉक इंटरव्यू देयर हैव बिन मैनी कैंडिडेट्स हु हैव बिन पावरफुल ऑडिटर्स बहुत अच्छा बोलते हैं बहुत सारे कैंडिडेट वी वर रियली वेरी इम्प्रेस्ड एंड प्लीज टू नोट कि बहुत अच्छा बोलने की क्षमता जो है आपको इंटरव्यू में अच्छे नंबर दिलाता है और उसके अलावा हैसल फ्री पर्सनैलिटी बहुत ही ईजी पर्सनैलिटी आप आ, बहुत सारे कैंडिडेट को हम लोगों ने देखा कि बहुत अच्छी नॉलेज बेस बहुत अच्छा बोलते हैं और पर्सनैलिटी वेरी डाउन टू अर्थ एंड हम्बल नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स ऑलवेज वांट अ कैंडिडेट हु हैज अ सिंपल पर्सनैलिटी ना कि कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी अगर आपकी पर्सनैलिटी सिंपल है तो उससे आपका अट्रैक्शन बढ़ता है आपके बोलने की शैली सिंपल हो जाती है और यही बोर्ड मेंबर्स को चाहिए होता है अलर्ट माइंड वी ऑल्सो नोटिस्ट इन मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स की माइंड बहुत ही अलर्ट है और अलर्ट माइंड का अर्थ यहाँ यह होता है से फॉर एग्जाम्पल कोई कॉन्ट्रोवर्सियल क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं या सेंसिटिव टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछते हैं तो उनका अलर्ट माइंड जो है तुरंत वो एक्टिव हो जाता है और कैसे उस कॉन्ट्रवर्सियल या सेंसिटिव टॉपिक से बाहर आना है तो अलर्ट माइंड उन्हें हेल्प करता है और इसीलिए उनके उत्तर बहुत अच्छे आते हैं और अलर्ट माइंड के संदर्भ में ही है कि डिप्लोमेटिक जो अप्रोच होता है वह उनका उनका उनके आंसर में रहता है यानी कि अगर मान लीजिए हम लोगों ने इस तरह का एक ट्रैप बिछाया सपोज मान लीजिए कि सरकार की आलोचना करनी है तो ऐसे अलर्ट माइंड वाले स्टूडेंट जो होते हैं वह सरकार की आलोचना ना करके कुछ इस तरह से आंसर करते हैं कि जल्दी से उस टॉपिक से बाहर आए तो डिप्लोमेटिक स्टैंड भी आपका होना चाहिए अगर किसी इश्यू पर अगर आप आपको आलोचना करनी है सरकार की पॉलिसी पर आलोचना करनी है तो इट शुड ऑलवेज भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म प्लीज अंडरस्टैंड यू कैन नॉट गो फॉर डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इट शुड ऑलवेज भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और संवैधानिक दायरे में रहकर ही आप क्रिटिसाइज़ करें माइल्ड पॉइंट्स को लें ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपका क्रिटिसिज्म होगा उसमें माइल्ड पॉइंट्स को रखें कोई भी सीरियस टॉपिक्स को नहीं लें सीरियस पॉइंट्स को नहीं लें जिस कारण से आप ट्रैप में फंस जाएं ट्रैप में नहीं फंसना है दैट्स वाई आई सेड अलर्ट माइंड आपका होना चाहिए और ये वैसे कैंडिडेट्स हैं जिनका कि सुपर परफॉर्मेंस रहा है इन्होंने बोर्ड मेंबर्स को फोर्स कर दिया कि वह अपना डायरेक्शन जो सेट कर रहे हैं हम उनको फॉलो करें और हमें ये बहुत अच्छा लगा कि कैंडिडेट इनिशिएटिव लेते हैं सर्टिव पर्सनैलिटी उनकी होती है और हमें वो फोर्स कर देते हैं कि हम उनका जो डायरेक्शन सेट किया है उसी पर उनका इंटरव्यू इंटरव्यू लें एन एज आई सेट कि दीज आर दी कैंडिडेट्स हु हैव परफॉर्म रियली वेल इनका कॉन्ट्रोवर्सियल और सेंसिटिव टॉपिक्स पे बहुत अच्छा उत्तर आता है एंड वी हैव बिन थरली प्लीज टू टेक मॉक इंटरव्यू ऑफ डीज कैंडिडेट्स नाउ देर आर ऑल्सो सम एरियाज जिसमें कि कैंडिडेट को काम करना होता है जिस पर कि हम लोग फीडबैक भी देते हैं कि कहाँ पर स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है सबसे पहला डू रिमेंबर ये सभी कैंडिडेट्स के लिए है कि ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि तो आपका डैप में जो सब्जेक्ट रहेगा ग्रेजुएशन का वहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे आपको इन डेप्थ स्टडी नहीं करनी है सपोज मान लीजिए आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है आप उसको दो साल तीन साल चार साल तक नहीं पढ़े हैं तो आपको इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है आपको बस एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए यू डोंट हैव टू गो फॉर डेप्थ स्टडी यू डोंट हैव टू डू दैट आपको बेसिक चीज़ें क्लियर करनी है ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी प्लीज़ आप अच्छे से क्लियर कीजिए ऑप्शनल सब्जेक्ट से सवाल बनेंगे और अगर आप इसका बेसिक टॉपिक्स क्वेश्चन से अगर आंसर नहीं कर पाते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट से तो दी बोर्ड मेम्बर्स वुड नॉट बी दट इम्प्रेस्ड बाई योर परफॉर्मेंस तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो बेसिक्स है आप क्लियर कीजिए इट इज क्वाइट अंडरस्टूड अंडरस्टैंडेबल दैट सिक्सटी एट से ऑप्शनल सब्जेक्ट का वेटेज खत्म हो गया है इट्स ओनली इन द क्वालिफाइंग नेचर एंड येट दिस इज वन एरिया अगर आप अच्छे से तैयार करके नहीं जाएंगे तो यह एरिया आपको ट्रबल में डाल सकता है तो प्लीज इसको आप अच्छे से कर लीजिए द नेक्स्ट थिंग इज इसको फॉर इम्प्रूवमेंट जहाँ की हम लोग फीडबैक भी दिए हैं कि अगर आपको बोलने का जो फ्लो है वो अच्छे से नहीं आ रहा है तो फ्लो को अच्छा करने के लिए आप मिरर प्रैक्टिस कीजिए टीम आई का एक वीडियो भी आया था मिरर प्रैक्टिस पे आप इसको अच्छे से देख लीजिए उस वीडियो को मिरर प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपका आई कांटेक्ट आपका फेशियल एक्सप्रेशन आपका बोलने का जो फ्लो होता है वो सारी चीजें मिरर प्रैक्टिस से आप सही कर सकते हो बहुत हद द नेक्स्ट थिंग इज कि मीडियम के बारे में आप क्लियर रहिए सपोज मान लीजिए यू आर कंफर्टेबल विद बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम देन दैट इज फाइन

हिंदी को अच्छे से किए रहिए हिंदी में ही हो सकता है कि आपका इंटरव्यू हो येट दोज आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश आप इंग्लिश के लिए भी रेडी रहिए दी ऑल्सो इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इज कि जब भी आप इंटरव्यू दीजिए तो ट्रैप में नहीं फंसिए बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसे फॉर एग्जाम्पल तो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है उसकी आप आलोचना करिए वहाँ से एक ऐसा एरिया है जहाँ से ट्रैप में आप फंस सकते हैं तो स्मार्ट अप्रोच अलर्ट माइंड जैसा कि हमारी पहले बात हुई थी वह रखिए ट्रैप में आपको नहीं फंसना है जल्दी से जो डेंजर जोन वाला टॉपिक होता है वहाँ से आप बाहर निकलिए वन मोर थिंग वी हैव नोटिस्ड इन फ्यू कैंडिडेट्स इज़ कि जब आप ऑनरेबल बोर्ड मेंबर अगर मेल हैं तो उनको सर बोलिए अगर मैम हैं तो उनको सर बोलने की गलती कभी मत कीजिएगा आपको याद रखना है कि आपको सम्मान देना है ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स को अगर जो ऑनरेबल बोर्ड मेंबर फीमेल हैं उनको आप सर बोलते हैं तो दैट डजेंट गो डाउन वेल विथ द बोर्ड मेंबर देअर फोर आप इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा लास्ट बट नॉट द दिल्ली चूंकि आप बी पी एस सी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं बिहार के प्रशासन में आना चाह रहे हैं तो बिहार स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपका क्लियर होना चाहिए से फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने बहुत सारे कैंडिडेट uh, से सात निश्चय के बारे में सवाल पूछा है सात निश्चय पार्ट टू और हम लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया है कि कुछ कैंडिडेट को इस क्वेश्चन को आंसर करने में दिक्कत होती है यह आपको नहीं होनी चाहिए क्योंकि तो आप जब बिहार में जब आप सर्विस करने वाले हैं तो बिहार के कुछ जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं जहां से सवाल बार बार बन रहे हैं तो वह आपका क्लियर होना चाहिए सो दीज आर सम ऑफ दी एरियाज़ जहाँ की हम लोगों को जो विजडम मिला है अनुभव मिला है यह आप लोगों के साथ शेयर किए हैं उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है टीम आई अच्छा लगता है तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें वी सेल मीट शॉर्टली। देन गुड बाय